नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। भाजपा विधायक ने सुखविंदर रंधावा के प्रधानमंत्री पर दिए बयान को लेकर पुलिस में शिकायत की है। भाजपा के प्रदेश महासचिव मदन दिलावर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धमकी वाले बयान को लेकर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के खिलाफ शनिवार को पुलिस को शिकायत दी है। कोटा जिले के रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने में शिकायत दी है। वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस नेता के खिलाफ राजद्रोह और अन्य कथित अपराध का मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर कुछ देर गेट पर दोस्तों धरना दिए हुए बैठे हैं। वहीं दोस्तों, सर्किल अधिकारी अमर सिंह राठौर ने बताया कि विधायक की शिकायत मिली है और शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित तथ्यों और सबूतों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, हालांकि शिकायत में उल्लेखित घटना महावीर नगर थाना क्षेत्र में नहीं हुई। जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में सोमवार को रंधावा ने कथित तौर पर कहा था कि अगर अडानी और अंबानी को हटाना है तो मोदी को खत्म करना होगा। अपनी शिकायत में दिलावर ने आरोप लगाया है कि रंधावा ने हिंसा भड़काने के उद्देश्य और प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी है और नफरत फैलाने के लिए एक सार्वजनिक बैठक में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। धरना स्थल पर दिलावर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची जा रही है। हम यहां इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं, लेकिन थानाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। वहीं दोस्तों, दिलावर ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि रंधावा की टिप्पणी भारतीय दंड संहिता की धारा 153B के तहत दोस्तों एक दंडनीय अपराध है और मामला दर्ज करा दिया है। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अभी 3 दिन पहले ही दोस्तों राजस्थान के प्रभारी ने प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बात कही थी और कहा था कि अगर देश बचाना है तो प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करना होगा। इसलिए अब दोस्तों भाजपा नेता ने मामला दर्ज करा दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस समय राजस्थान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।